गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 14th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर रुपीज एंड पैसे। तो रुपीज एंड पैसे को हमें आज समझना है। तो यहाँ पे देखो, ये चैप्टर पेज नंबर 190। पचास और पचास कितना है, 1 रुपीज हो गया, है ना। ये
रुपीज 1 और ये कितने हो गए 25, तो 26 रुपीज इस तरह से करें। फिर 4 रुपीज और 75 पैसे, तो हम किस तरह से करेंगे 4 रुपीज और 75 पैसे, तो रुपीज और पैसे में भी हम कर सकते हैं।
रुपीज हमारे पास कितने, रुपीज और पैसे, बराबर। रुपीज कितने, 50 का है, 20 का है, 2, 2 और 2। पैसे कितने हमारे, 25, 25 और 25। अब इनका क्या करेंगे हम, प्लस 5, 5, 5, 15, 1, 2 और 3, 3 और 2, 5, 7। ये 75 पैसे हो गए, फिर ये कितने हो गए, 6 और ये 7, कितने हो गए, 76 रुपीज 75 पैसे। इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पे 100 रुपीज और 50 पैसे, यानी कितने हो गए, 101 रुपीज हो गए, यहाँ पे 101 रुपीज हो गए। यहाँ पे भी दिया है, ये सब काउंट करके ही हमें लिखना है, यहाँ पे देखना है कितने कौन से नोट है, और यहाँ पे हमें लिखना है। अभी देखो यहाँ पे, यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर, सेल्फ सर्विस वाला स्टोर है, जैसे कि हमारे वहाँ पे हम डीमार्ट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, हम हमारे हाथ से सब लेते हैं, फिर वहाँ पे काउंटर पे जाके सब काउंट करके उनकी वो मनी ले। अभी यहाँ पे देखा है सब, यहाँ पे बॉल दिखा है, तो बॉल का एक की कीमत कितनी, 7 रुपीज, फिर वो टॉप बताए तो उसकी 2 रुपीज है, फिर टॉय का कार बताइए उसकी 15 रुपीज, फिर ये हॉर्स जिराफ है, जिराफ टॉय जिराफ, उसकी 6 रुपीज 50 पैसे, फिर डॉल है तो 8 रुपीज की वन है, फिर नोटबुक है तो 5 रुपीज की वन है, फिर पेंसिल है तो 2.50 रुपीज की, यानी 2 रुपीज एंड 50 पैसे की एक पेंसिल है, फिर इरेजर है 1 रुपीज ईच, फिर क्या है 50 पैसे ईच चॉकलेट, फिर ये क्या है बिस्किट, तो पर पैकेट 4.5 रुपये का, यानी 4 रुपीज एंड 50 पैसे, और यहाँ पे बनाना है तो ईच बनाना 1 रुपीज 50 पैसे, फिर क्या है यहाँ पे मिल्क है, मिल्क है 3 रुपीज 50 पैसे पर ग्लास, एक ग्लास के 3 रुपीज और 50 पैसे, फिर यहाँ पे लेमन जूस दिया है तो वो भी 3 रुपीज 1 ग्लास है। अब ये लोग फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, 1 टॉय जिराफ 1 कॉपी एंड ग्लास ऑफ लेमन जूस, अभी लेमन जूस का और सबका ये हमारे इसको हमें काउंट करना है। तो 1 टॉय 1 टॉय जीरा, 6.50 पैसे है ना, फिर वन कॉपी उसकी 5 रुपीज, फिर ग्लास ऑफ लेमन जूस 1 लेमन ग्लास उसकी 3 रुपीज, तो हम इसको काउंट करेंगे 50 के 50 पैसे ऐसे ही, फिर 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, ₹40 and 50 पैसे। ₹14 and 50 पैसे इस तरह से। फिर 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क का ग्लास कितने का है, 350 का है, फिर ये मिल्क है, और 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट कितने का पैकेट है,
फिर एंड बनाना, एंड और बनाना है, एक बनाना, एक बनाना कितने का है 150 का है। ये क्या हो गया बिस्किट फिट पैकेट और वन ये बनाना बराबर, और ये 0 0 0 5 3 15 यानी 5 5 5 15 हो गए, 1 कैरी यहाँ पे 3 और 1 4 4 और 4 8 और 1 9 रुपीज 9 रुपीज एंड 50 पैसे। इस तरह से हम लिखेंगे, हमें 9 रुपीज एंड 50 पैसे, तो इस तरह से हमें काउंट करते आना चाहिए, ये सब हमें करना है। अभी देखो, व्हाट कैन यू बाय इफ यू हैव अ 20 रुपी नोट, आपको आपको ये आपको खुद लिखना है 20 रुपी की नोट में आप क्या क्या ले सकते हैं। तो 1 टॉय कार, लेमन जूस 1 और 1 बनाना, तो 1 टॉय कार कितने की है 15 रुपीज की है बराबर, और 1 लेमन जूस कितने का 18 का हुआ, और 1 बनाना कितना हुआ 150 का। तो यहाँ पे इस तरह से हम 20 हम यहाँ पे काउंट करके भी आप क्या क्या ले सकते हैं यहाँ आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, फिर ये बिल है खुद का सेल्फ सर्विस स्टोर, और यहाँ पे आइटम के नाम लिखे हैं, उसको काउंट आपने क्या क्या लिया उसको काउंट करके यहाँ पे हमें टोटल बनाना है। अभी नोनू प्रिपेयर द फॉलोइंग कैश मेमोज, कैश मेमो बना रहा है, चेक द कैश मेमोज एंड करेक्ट देम इफ यू फाइंड अ मिस्टेक, आपको मिस्टेक दिखे तो उसको ऐड द फॉलोइंग यहाँ पे ऐड करना है हमें। यहाँ पे देखो उन्होंने ये काउंट करा है, तो यहाँ पे देखो ये 50 और 50 वन हो गया, 1 रुपीज यानी 1 यहाँ पे, तो 5 और 5 10 0 हो गया, 1 यहाँ पे, 7 और 7 40 और 1 15 16 17, तो यहाँ पे बराबर काउंट करा हुआ है, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे इन्होंने गलत करा है, ये 50 है तो 50 रुपीज ही आनी चाहिए 15 और, तो ये टोटल क्या करा है 1 टॉय कार कितने की है 15 रुपीज की, फिर 3 ग्लास मिल्क 3.5 का एक ग्लास है यानी कितने हो गए 3 3 9 3 3 9 यहाँ पे 50 50 और 50, तो ये 5 5 5 50 1 यहाँ पे 3 3 9 और 1 10 यानी 10 50 होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया खाने 10 रुपीज ही दिया है। फिर नोटबुक 5 लिए तो 4 लिए, 4 का 5 रुपीज की 1 है तो 4 कितने की हो गई 20 रुपीज की, तो ये बराबर यहाँ पे 20, अच्छा यार यहाँ पे उन्होंने 20 और 50 लिखा है, तो ये 50 पैसे यहाँ पे होना 10 के बाजू में और यहाँ पे 20 होना है, और यहाँ पे 50 उन्होंने काउंट करे ही नहीं है, टोटल कितना करा हुआ है
टोटल कितना भरा हुआ है? तो टोटल 50, ये सही है। तो एक बार के थ्री क्लास में तो ये हो गए 10, 50 हो गए थे हमारे। फिर 4 नोटबुक है तो 4 5 का 20 रुपीज हो गए। ये क्या है रुपीज और ये क्या है पैसे? ये 5 का 5, अब ये कितने हो गए 5 और ये 45 और 50 पैसे हो गए। अभी तो इन्होंने क्या दिया है, खाली 45 रुपीज दिए हैं, तो ये हमें करेक्शन करना है। इस तरह से हमें ये पूरा अभी यहाँ पे जो दिए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, तो हम एक सब्ट्रैक्शन वाला देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमें आता ही है, खाली रुपीस के साइड में रुपीस लिखना है और 50 के साइड यानी पैसे के साइड में पैसे लिखना है। तो देखो रुपीस 25 में से कितने माइनस कर रहे हैं, माइनस रुपीस 11 50 पैसे और 11 50। तो देखो ये 0 का 0, 5 में से 5 0, 5 में से 1 4, 2 में से 1 1, तो कितना आया 14 रुपीज, 14 रुपीज आया है ना, 14 रुपीज। इस तरह से हमें दूसरा भी करना है 103 103 150, फिर रुपीज 62 पॉइंट, ये 5 का 5 यहाँ पे 0, 3 में से 2 माइनस हो गए 1। अब यहाँ पे 0 है और 0 में से 6, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं 10, इसको 10 लिया तो 10 में से 6 गए 4। अब ये 1 के ऊपर क्या आ गए 10 के ऊपर 9 9 9 का 9, 10 में से 6 4, 41.50। जो हमें हमारा ये करेक्ट है कि नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम इसमें मिलाएंगे, ये वाले में इसको काउंट करेंगे। इस तरह से हमें प्लस माइनस आता है। अभी यहाँ पे यू हैव 30 रुपीज विथ यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स। मेरे पास 30 रुपीज है, मेरे पास 30 रुपीज है और मेरे पास कितने बाकी रहेंगे, फिर आई हैव 30 रुपीज है ना। अभी देखो वन बॉल, बॉल की कीमत कितनी है, तो यहाँ पे बॉल की कीमत है, यहाँ पे दी हुई है ना बॉल की 7 रुपीज की एक है, तो यहाँ पे वन बॉल रुपीज 7
वन डॉल कितने की है? तो डॉल है 8 रुपीज की, वन डॉल रुपीज 8। और वन टॉय जिराफ कितने का है? टॉय जिराफ है 6.50 पैसे। तो वन ही लिया है ना, 6.50 पैसे। अब इनका हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। ये देखो, ये 50 पैसे ऐसे रहेंगे, है ना, 5 का 5 0 का 0। अब ये 7 और 8 15 15 और 6 21। 21 रुपीज एंड 50 पैसे टोटल मेरा कितना हो गया। और मेरे पास कितने बाकी रहे, मेरे पास 30 रुपीज थे, है ना। 30 रुपीज में से मैंने कितने यूज करे, 21 रुपीज 50 पैसे यूज करे, तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन करूंगी। अब यहाँ पे 10 लिया, 10 में से 5 माइनस, तो 5। अब यहाँ पे हमने 10 लिए थे, तो यहाँ पे 9 लेंगे, 9 में से 1 8, फिर इसको 2 में से 2 गए 0, यानी कितने हमारे पास रहे, 8.50। है ना, हमारा सही है कि गलत। यहाँ पे हम 21 में इसको मिला के देखेंगे तो हमारे 30 रुपीज आते हैं, 0 0, 5 और 5 10, 8 और 8 8 9 10, आ गए हमारे पास 30 रुपीज। अरे मेरा आंसर सही है गलत, तो इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूँ ना ये दोनों को, तो ये वाली जो प्राइस आती है तो मेरा आंसर सही है। तो इस तरह से ये खाली हमें हमारे ये ऐसा करना नहीं है, ये खाली मुझे चेक करने के लिए कि भाई मेरा आंसर सही है, तो ये साइड में जाके हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या, रुपीस मनी ये सब हमने अभी, फिर 30 रुपीस में से मैंने कितना कितना क्या लिया, बराबर ये यहाँ पे हमें करना है। अब प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पे 3 friends wanted to buy cricket bat and ball, Bina had rupees 58 or 48.50, Raman had अब ये हम प्रॉब्लम वाला ये सॉल्व द प्रॉब्लम वाला देखेंगे। तो बीना हैड, अब उनको बैट लेना है, बीना हैड कितनी रुपीज है उसके पास, तो 48.50। फिर रुपीज 48.50। फिर किसी के पास रमन है उसके पास कितने थे, रुपीज 55.50। एंड वेनू है उसके पास कितने थे, तो 38 रुपीज। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल, उनके पास कितने हो गए, तो सबका हम क्या करेंगे, प्लस 50 और 50। देखो 5 और 5 10 0, 1 यहाँ पे 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो टोटल कितने हो गए उनके पास, रुपीज
he gave 100 rupees note. How much money will he get back with the ticket? अब उसकी टिकट कितने रुपीज की हुई? उसने 100 रुपीज टिकट, जो टिकट देते हैं ना बारी में, हम जाते हैं टिकट, टिकट की विंडो में जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो उसने कितना लिया? उसकी टिकट की प्राइस कितनी थी? 62 पॉइंट, और उसने 100 का 100 रुपीज दिया, और उसकी टिकट की प्राइस कितनी थी? 62.50। हमें जब माइनस करना है तो ये 3 हो ना, तो यहाँ पीछे से लिखना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। देखो 0 का 0, 10 में से यहाँ पे 10 लेंगे, 10 में से 5 9 में से 2 गए 7। अब यहाँ पे भी कट करके यहाँ पे देखो ये 10, यहाँ पे हमने 9 लिया, बराबर 9 में से 2, और फिर 9 में से 6 3, तो 37.50। अभी हमारा सही है कि गलत? तो मैं 37 में 62 मिलाऊंगी 50 पैसे, तो मेरा सही आता है 5 5 10 0 1 7 और 1 0 1 4 और 6 आ गया मेरा आंसर, तो मेरा सही है। हमें यहाँ पे क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। तो इस तरह से हमें ये प्लस माइनस करते आना चाहिए। इस चैप्टर में हमें यहाँ पे क्या है तो प्लस यानी रुपीस एंड पैसे के बारे में हमें दिया हुआ है। ये हमारे यहाँ पे आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आगे का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।